साथियों नमस्कार। होली का त्यौहार है और होलिका दहन से ही होली प्रारंभ होती है। गोरखपुर महानगर के विभिन्न चौराहों पे होलिका दहन की तैयारी हो चुकी है, जो रात्रि में 12 बजे के बाद होगा। लगातार डीजे और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद तमाम तरह के केसरिया रंग के गुब्बारों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है और लगातार होली के सॉन्ग्स बज रहे हैं। आज ही के दिन योगी आदित्यनाथ जी घंटाघर के जो 95 वर्ष से आ रहे नरसिंह यात्रा का शुभारंभ हर साल करते हैं, लेकिन 2 वर्ष कोरोना बीत जाने के कारण नहीं गए थे, लेकिन इस बार जाने से कहीं ना कहीं उस यात्रा में जान आ गई और अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। और इसी प्रकार से गोरखपुर के विभिन्न चौराहों पे होलिका दहन का लगातार कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है और ख़ास करके इको फ्रेंडली जो होली मनाई जा रही है, न कहीं टायर है, न कोई प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें हैं, केवल लकड़ी और ख़ास करके घरों से जो यूज्ड लकड़ी है और नई लकड़ी और जो भी घर में साउंड बॉक्स इत्यादि हैं उनको ला करके इसमें डाला जा रहा है। बच्चों में उल्लास का माहौल होता है। लगातार योगी जी के गाने जगह जगह गोरखपुर महानगर बस्ते सुनाई दे रहे हैं। ठीक मेरे बगल में एक साउंड स्पीकर बज रहे हैं, आप भी सुने। घरों से लोग उपटन लगाने के बाद आते हैं और उसको उपटन को इस आग में डालते हैं।